बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ने, फिर मैं आपको एक और टॉपिक की तरफ लेकर जाऊँगा कि डेफिनेशन है कि द फिनोमेना इन विच चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये अभी इसी लेक्चर के पार्ट में आप जरा पहले सुने मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसके बारे में ब्रीफ डिटेल जो है वो पहले आप सुने, फिर इसे आगे लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है और इसकी रूट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 15 से जाके कैसे मिलती हैं, तो इसमें सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें आपको जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो है एरिया। कोई भी सरफेस जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करना है, तो ये हमारे पास एक फोर साइडेड एरिया है। अब एरिया के साथ एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट्स, वो है एरिया वैक्टर। वो वैक्टर जो हमें एरिया की डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करेगा कि ये एरिया किस तरफ पॉइंटेड है। जैसा कि आप क्लास में बैठे हैं तो आपके सामने एक वाइट बोर्ड है। अब वाइट बोर्ड एक एरिया है। अब ये व्हाइट बोर्ड आपकी तरफ पॉइंटेड है, तो एक इमेजिनरी वेक्टर है जो हम वहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि जी इस व्हाइट बोर्ड की डायरेक्शन हमारी तरफ है। तो ये रहा एरिया और ये रहा उसका एरिया वेक्टर। याद रखें कि एरिया वेक्टर और एरिया ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर एरिया रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा, तो ग्रेटर द रोटेशन ग्रेटर विल बी द रोटेशन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये एक शेप जेन में रखनी है आपने। अब आगे चलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सबसे पहले इसका पार्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे यूं भी डिफाइन किया जा सकता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको फाई, ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, साथ बी लिखने का मकसद है, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। अब बी डॉट ए, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इक्वेशन बन जाएगी बी ए कॉज थीटा। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर्स में मेजर करते हैं, इसका यूनिट बनता है टेस्ला मीटर स्क्वेयर। जो वेबर है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम डिफरेंट कंडीशंस पे चलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम, मिनिमम और विद इन अ मीडियम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कि जो एरिया है, इस लाइन को आपने गौर से पढ़ना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन एरिया इज परपेंडिकुलर एंड एरिया वेक्टर इज पैरेलल। अब ये जो एरिया है, ये जो येलो शेप बनी हुई है, ये एरिया है। अब एरिया तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, लेकिन जो इस ओरिएंटेशन की बिना पर एरिया वेक्टर है वो पैरेलल टू द फील्ड हो गया, तो हमने एंगल एरिया वेक्टर का कंसीडर करना है। अब ए और बी चूंकि पैरेलल हैं, तो इक्वेशन लिखी जाएगी बी ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, और कॉस जीरो आपको पता है वन होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा बी ए, यानी इट वुड बी द मैक्सिमम फ्लक्स। तो यू कैन रिमेंबर, जब एरिया परपेंडिकुलर हो या एरिया वेक्टर पैरेलल हो तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट केस है कि अगर हम एरिया को इस तरह प्लेस कर दें कि एरिया पैरेलल टू फील्ड हो जाए। अब देखें, ये जो येलो बॉक्स है बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टली जमीन पे पड़ा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके ऊपर से प्रवास करके गुजर रही है। सो हम कहेंगे कि जी मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन एरिया इज पैरेलल एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं कि ये एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या लिया जाएगा, 90। आप सब जानते हैं cos 90 जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वुड बी जीरो, तो ये मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। और इसी तरह अगर एरिया किसी भी सर्टेन एंगल पर ओरिएंटेड है, तो उसका एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक सर्टेन एंगल थीटा बनाएगा, और आपको यहां पर सिंपल थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर देखें कि डिफरेंट ओरिएंटेशन आपके सामने इस एरिया की आई। अगर ऐसा हो कि मुसलसल ये एरिया अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हो, तो फिर स्टूडेंट्स या तो एंगल में चेंज आ रहा है, या फिर ऐसा हो कि आप कोई मैग्नेट है उसको बार बार एरिया के करीब ला रहे हैं या दूर लेकर जा रहे हैं तो भी चेंज आ रहा है,
या इस एरिया का साइज कम ज्यादा हो रहा है तो भी चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको भी आगे हमने पढ़ना है। उससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एन एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। इन शॉर्ट इक्वेशन थी फाई इज इक्वल टू बी ए, यहां से हमने बी को सेपरेट किया तो ये बी बनेगा फाई ओवर ए। तो बी क्या था स्टूडेंट्स? टेस्ला। और फाई क्या था? वेबर। एरिया मीटर स्क्वायर। तो हम टेस्ला को एक न्यू मीनिंग्स में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो टेस्ला को फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है इसे फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ये दो वर्ड्स में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई और फ्लक्स डेंसिटी है बी। तो अक्सर न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है कि जो फ्लक्स डेंसिटी इज डज नॉट मीन कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब वर्ड डेंसिटी आएगा ना साथ तो ये टेस्ला कंसीडर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर होगा। ऑल राइट, तो ये यूनिट भी आपने याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। अब आती है बात कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। तो ये कैट आपको बड़े गौर से देख रही है, आप इसे इतना गौर से ना देखें, आप ये फॉर्मूला देखें फाई इज इक्वल टू बी ए। अब ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि कॉन्स्टेंट एरिया है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स के ये कॉयल है और ये एक स्टेशनरी मैग्नेट था, लेकिन अब आप इसे वी वेलोसिटी से मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉयल, तो देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम इस इक्वेशन को जो पहले बी ए थी अब डेल्टा बी ए लिखेंगे। डेल्टा बी यानी देयर इज अ चेंज। तो इस पूरी सिचुएशन को हम कंसिडर करेंगे चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली एक शेप है कि ये क्रॉसेस लगे हुए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज शो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर ये एक एरिया है इसको हम रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो समटाइम्स ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, समटाइम्स ये पैरेलल टू द फील्ड है। इट मींस एरिया चेंज हो रहा है। तो एरिया में चेंज के लिए फिर यहाँ पे डेल साइन देंगे, तो इसको भी ओवरऑल हम क्या कंसिडर करेंगे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? चैप्टर 15 की बेस, चैप्टर 15 की रूट्स सारी की सारी ये एक छोटी सी स्लाइड है कि whenever there would be a change of magnetic flux with respect to time, an EMF will be induced in the given circuit. तो ये change का concept students याद रखना है। इससे link होने के बाद आपने chapter 15 के lectures लाजमी सुनने हैं, उससे आपको सारा electromagnetic induction का concept जो है वो clear हो जाएगा। तो students आपने देखा कि magnetic flux है कि जब number of magnetic field lines pass करती हैं किसी भी सरफेस एरिया से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और फिर आपने ये भी देखा कि अगर एरिया की अमाउंट चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट चेंज हो तो इसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। सो द फिनोमिना इन विच चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सबसे पहले आ जाए ईएमएफ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर। आपको याद होगा कि इसकी डेफिनेशन है वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द बैटरी और बाय द सेल। अब ये जो सेल है, सेल की कंस्ट्रक्शन देख लें, इसकी एक टर्मिनल एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि परमानेंटली इस बैटरी के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? ईएमएफ। इट मीन्स अगर आपको किसी भी जगह पर एक साइड हायर पोटेंशियल पर नजर आएगी और एक साइड लोअर पोटेंशियल पर नजर आएगी, तो आप कह सकते हैं कि उस जगह पर क्या एग्जिस्ट करता है? ईएमएफ। फिर अगली बात याद रखें, अगर इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए किसी भी सर्किट में, तो चार्जेस का फ्लो पॉसिबल हो जाएगा हायर पोटेंशियल से किस तरफ? लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ के साथ साथ अब दूसरी चीज क्या एग्जिस्ट कर रही है? दूसरी चीज एग्जिस्ट कर रही है करंट। यहां तक समझ आ गई बात? अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक आइडिया पर। लेट्स से कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज है, वो भी वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। तो जरा राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं कि पॉजिटिव किधर डिफ्लेक्ट होगा और नेगेटिव किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है कि अपनी फिंगर्स को आपने क्रॉस यानी इनटू द पेज अलाइन कर दिया, ये इनटू द पेज हो गई। अपने थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दें, डन। अब आपकी जो पाम है
इस डायरेक्शन में चार्ज पर फोर्स लगेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज के लिए आप नेगेटिव या लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं आप। कि ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब। अब दोनों चीजें राइटली पॉइंटेड है तो पाम किस तरफ डायरेक्टेड है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस द नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ये दो बातें जरा जहन में रख लेनी। अच्छा, सिमिलरली अगर यही पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन से एंटर हो और यही नेगेटिव चार्ज भी ऑपोजिट डायरेक्शन से एंटर हो तो व्हाट विल हैपन? देखें, क्रॉस इनटू द पेज, लेकिन अब जो थंब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज अब किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स अब डिफ्लेक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। Now, why I am teaching you these examples? Just imagine कि एक अदद कंडक्टर है हमारे पास और वो कंडक्टर बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। It has positive as well as negative charges. So, जब हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे with a v velocity in the magnetic field, so what will happen after some time? The positive charges of the conductor will accompany on the upper end and negative charges will accompany on the lower end. क्योंकि force actual में move करने पर लग रही है charges पर, positive upward deflect हो रहे हैं और negative downward deflect हो रहे हैं। अब ये कंडक्टर एक ऐसी स्टेट में आ चुका है कि इसके अपर एंड पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज और इसके लोअर एंड पर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है एट अ सर्टन वेलोसिटी v। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा और स्पीडली मूव करेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन अपर एंड एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द लोअर एंड विल मे इंक्रीज, बट उस केस पे हम बाद में जाएंगे। अब आप सिर्फ इस पार्ट ऑफ द डायग्राम को गौर से देखें और मुझे यह बताएं कि इस कंडक्टर का एक एंड चला गया है हायर पोटेंशियल पर और एक एंड आ गया है लोअर पोटेंशियल पर। क्या हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर क्या इंड्यूस हो गया है? इसके अंदर इंड्यूस हो गया है EMF, यानी ये चलता फिरता सेल बन गया। इट मींस कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जो एक अकेला है जिसके साथ कोई सर्किट इन्वॉल्व नहीं है, उस एक आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो सकता है? ईएमएफ, राइट? लेकिन याद रखें कि ये ईएमएफ तब तक करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक कि हमारा सर्किट क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। डन? तो अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, इसकी डिपेंडेंस जो एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं वो ये कि इसकी डिपेंडेंस है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पर। कि देखें, आप इसे मूव कर रहे हैं, राइट दैट टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएगी तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हाई स्पीड, अगर आप इसको चलाते चलाते अचानक इसकी स्पीड तेज कर देंगे तब भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा। ग्रेटर नंबर ऑफ लूप्स, ये तो एक सिंपल कंडक्टर है, अगर आपके पास एक वायर जो है वो कई लूप्स में प्लेस्ड है तो आप उसके नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो भी ईएमएफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक बड़ी अहम बात कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है स्टूडेंट्स, अच्छा ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। देखिए, सेल में है केमिकल पोटेंशियल की वजह से, केमिकल्स की वजह से ईएमएफ है। ये ईएमएफ हमने मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से इंड्यूस किया है तो इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती, यानी इस कंडक्टर की जो भी रेजिस्टेंस है डजंट मैटर, इसको इसकी रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां तक चीजें समझने के बाद अब हम चलते हैं इंड्यूस्ड करंट की तरफ।
उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि हम यहां पर एक रॉड प्लेस करते हैं और इस कंडक्टर को उस रॉड के ऊपर प्लेस कर देते हैं। सिमिलरली यहां भी एक रॉड प्लेस कर देते हैं और इस कंडक्टर को उस रॉड के ऊपर प्लेस कर देते हैं। डन। अब यहां से हम एक अदद गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, तो देखें सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल से चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे और किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ या लो पोटेंशियल की तरफ। अगर हमने कंडक्टर को मूव करना रोक दिया है तो ये चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और सडनली ऑब्वियसली जो करंट है वो थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस कंडक्टर को मूव करते चले जाएं तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस पे अपवर्ड फोर्स लगती रहेगी, नेगेटिव चार्जेस पे डाउनवर्ड फोर्स लगती रहेगी एंड द कंडक्टर विल कीप ऑन मूविंग, द करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट का नाम देंगे। ये इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, यानी आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। स्टूडेंट्स यहां पर जो ई एम एफ इस कंडक्टर में इंड्यूस होगी उसको हम इस एप्सिलॉन साइन से डिनोट करेंगे। अब फॉर अ स्पेसिफिक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स, द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर यानी ई एम एफ इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। रिमेंबर अगर ये फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है और कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो करंट कम हो जाएगा, बट द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर विल रिमेन सेम। अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, बट फॉर दी स्पेसिफिक वी बी एंड एन द ईएमएफ स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अब इसके मूव करने पर, इसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, एंटी क्लॉक वाइज। अच्छा, इसी चीज को, इसी आइडिया को, इसी पिक्चर डायग्राम को गौर से जहन में रखना है। लेट से ये मेरे पास एक रॉड है, इसके ऊपर हम वही कंडक्टर अपना प्लेस कर रहे हैं और यहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। अब याद रखना है, अगर मैं कंडक्टर को मूव करने की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, डाउनवर्ड। इट मींस डायरेक्शन चेंज की तो पोलैरिटी भी चेंज होगी, और नेगेटिव किस तरफ जा रहा था, अपवर्ड। अब अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे स्टूडेंट्स, तो करंट इस पॉजिटिव से किस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, नेगेटिव की तरफ, और यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो दो बातें बड़ी गौर से समझनी, मैं जैसे जैसे कंडक्टर को मूव कर रहा हूं एक्चुअल में चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर में इंड्यूस हुआ सबसे पहले ईएमएफ, फिर जब मैंने सर्किट को क्लोज किया तो इसमें क्रिएट होना शुरू हो गया इंड्यूस्ड करंट। नंबर टू, जब मैं इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेकर जा रहा था, करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हुआ। जब मैं इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेकर आ रहा हूं, करंट क्लॉकवाइज इंड्यूस हुआ। इसका मतलब है कि करंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है, कि आप फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं या फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, चेंज है ना। या वर्ड याद रखें, जो वर्ड चेंज होता है इसका मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और इसका मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। डन। तो इन एग्जाम्पल्स को या इन एग्जाम्पल से क्या चीज आपने आउटकम में लेनी है, कि जब जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह मूव करे कि फ्लक्स चेंज हो, जो कंडक्टर है वो क्रॉस करे, कट करे मैग्नेटिक फील्ड को, और यूं हो कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा हो या लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा हो। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स, ये बुक वाली सारी एग्जाम्पल्स है, कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। अब मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट पर है, स्टेशनरी है। हम एक लूप पकड़ते हैं, उसको फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं तो करंट की और डायरेक्शन होगी, फील्ड के बाहर लेकर आते हैं तो करंट डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेगा। रीजन, हो सकता है हम एक दफा फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी दफा फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरी एग्जाम्पल में कॉयल रेस्ट पर है, अब मैग्नेट को अगर यहां पर रख के खड़े हैं तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, नो फ्लक्स इज चेंजिंग। आप इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसमें करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और तो भी इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ एंड करंट, यानी चेंज लाजमी।
इसी तरह कॉइल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, आप उसको खींच के उसका एरिया कम ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। यहां पर एक लूप है, आप उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली जो फ्लक्स है, जो एरिया है, उसके चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा और फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन की एक एग्जांपल है कि ये कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, इसके साथ बैटरी अटैच है, ठीक है, और एक रियोस्टैट अटैच है जो पोटेंशियल को वेरी कर सकता है। अब देखिये, इसमें अगर हम पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होगी, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दूसरी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करेगी। अब दूसरी कॉइल के साथ तो कोई बैटरी अटैच नहीं है, बट गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी, डिपेंड करता है कि हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं या करंट डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड फाइनली, ना कॉइल मूव करे ना मैग्नेट मूव करे, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लें, करंट एंटर करें, करंट लीव करें, आप सिर्फ करंट की कॉन्सेंट्रेशन को, करंट को कम ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बात वहीं से जुड़ेगी कि क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस एन ईएमएफ एंड इट विल आल्सो इंड्यूस अ करंट इन इट। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस बेसिक आइडिया। स्टूडेंट्स, अगला लेक्चर अब हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, तो उसके साथ जरा कनेक्ट रहना। और एक मेरी ताकीद है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर पढ़ें तो कम से कम फैराडेज लॉ और लेंजेज लॉ तक आपने ये सारे लेक्चर्स कंसेक्यूटिवली सुनने हैं। ऑलराइट, अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं। अल्लाह।